आइए दोस्तों, आज हम कुछ सवालों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की एक तसनीफ का नाम बताओ। तो आप जानते हैं, अभी कल हमने पढ़ा था, उनकी तसनीफ है हिदायतनामा। आज का हमारा अगला सवाल है, उर्दू की सबसे पहली मसनवी किसने लिखी और उसका नाम क्या है? तो उसका जवाब है फखरुद्दीन निजामी। इन्होंने उर्दू की सबसे पहली मसनवी तसनीफ की और उस मसनवी का नाम है कदम राव पदम राव। आज का तीसरा सवाल हमारा है, मग़्ज़े मरग़ूब, खुशनामा, खुशनफ़्स और शहादतुत तहक़ीक़ किसकी नज़्म है? तो इसका जवाब है दोस्तों, मीरा जी शमशुद्दोशा। अगले सवाल पर हम और आप आते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ है, किस मसनवी को अदबी मुअज्जज़ा कहा गया? आपको हमने बताया था कि अदबी मुअज्जज़ा एक मसनवी है, खावरनामा। तो इसका सही जवाब है, खावरनामा को अदबी मुअज्जज़ा कहा गया और इसके मुसन्निफ़ हैं रुस्तमी। रुस्तमी ने इस मसनवी को तसनीफ़ किया है। आज का हमारा बहुत ही अहम सवाल है, सबरस की तसनीफ किसने की? तो उसका जवाब है मुल्ला वजही ने। और आपको हमने बताया था कि मुल्ला वजही ने जो सबरस तसनीफ की थी, इसको अदबी नसर का पहला नमूना भी करार दिया जाता है और इसकी सन तसनीफ 1635 ईस्वी है। 1625 नहीं मेरे दोस्तों, 1635 ईस्वी। आइए आज का अगला सवाल हम देखते हैं, फूलबन क्या है? जवाब इसका है, फूलबन एक मसनवी है। इसको किसने तसनीफ किया है? इब्ने नशाती ने। फूलबन क्या है? एक मसनवी है जिसको इब्ने नशाती ने तसनीफ किया है और इसके अंदर 1774 अशआर शामिल हैं। तो यहाँ से कई सवाल हम हल कर सकते हैं। सबसे पहला है कि फूलबन क्या है? फूलबन एक मसनवी है। दूसरा सवाल क्या बन सकता है कि इसके मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है इब्ने नशाती। अगर इसमें इस तरह सवाल आ जाए कि इसके अंदर कितने अशआर हैं, कितने अशआर पर यह मसनवी मुश्तमिल है, तो उसका जवाब है 1774, यानी 1774 अशआर फूलबन के अंदर हैं। तारीख़ अस्कंदरी किसने लिखी? जवाब है नुसरती ने। तारीख़ अस्कंदरी जो है एक नसरी तारीख़ पर किताब है, इसको नुसरती ने तसनीफ़ किया है। जन्नत सिंघार किसकी तसनीफ़ है? जन्नत सिंघार मेरे दोस्तों, सवालात पूछे जाते हैं इसके मुताल्लिक, तो ये मलिक खुशनूर की तसनीफ़ है, जिन्होंने जन्नत सिंघार नामी तसनीफ़ की है किताब। आज का अगला सवाल है, हश्त मसाइल और ज़िक्र जली की खालिक कौन है? चाहे आप मुसन्निफ़ कहें, चाहे खालिक कहें, चाहे तख्लीक़कार कहें, ये सारी बातें एक ही हैं। हश्त मसाइल और ज़िक्र जली के मुसन्निफ़ या खालिक कौन है? जवाब इसका है बुरहानुद्दीन जालम। इन्होंने हश्त मसाइल, ज़िक्र जली और मरग़ मरग़ूब जैसी नज़में लिखी हैं। आज का अगला सवाल है, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल तोती नामा किसकी तख्लीक है? तो आप जानते होंगे कि कल हमने आपको बताया था, सैफुल मुलूक, बदीउल जमाल, तोती नामा, मैना सुतवंती, ये सारी तसनीफ़ात गवासी की हैं। किसकी हैं? गवासी की हैं। आज का हमारा अहम सवाल है, लाजिमुल मुब्तदी वाहिदे बारी नौ सरहार किसकी तख्लीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका सही जवाब है सैयद शाह अशरफ बयाबानी। इन्होंने लाजिमुल मुब्तदी, वाहिदे बारी और नौ सरहार जैसी तसनीफात पजीर वजूद पजीर की हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल है, मसनवी यूसुफ़ जुलेखा किसने लिखी? तो मसनवी यूसुफ़ जुलेखा
की तसनीफ़ सैयद मीरा हाशमी ने की है। ये थे मेरे दोस्तों चंद सवालात जो हमने आपके सामने पेश किए। आप हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी हौसला अफज़ाई कर सकते हैं। और 17 तारीख से हमारा अगला सबक सीटेट के मुतालिक होगा, जिसके लिए आप जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। आज के वीडियो में यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम।